Hello students, myself Ravi sir. Welcome to Unique Star Classes. आज हम लोग स्क्वायर निकालने की एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक देखने वाले हैं और किसी भी नंबर का स्क्वायर मात्र एक सेकेंड में. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, किसी भी नंबर का स्क्वायर मात्र एक सेकेंड में देखते ही आप उसका मुजबानी बिना पेन और कॉपी के बिना आप किसी भी नंबर का स्क्वायर मात्र एक सेकेंड में बता सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि निकालने के तरीके क्या है, वो ट्रिक क्या है. हालांकि स्क्वायर निकालने के बहुत सारी ट्रिकें हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको कुछ बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा. एक नहीं बल्कि मैं तीन चार ट्रिकें बताऊंगा, जिसके चलते क्या होगा कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर बहुत तेजी से मात्र एक सेकेंड में बिना पेन और कॉपी के आप लोग निकालने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं कि वो तरीके क्या हैं, वो ट्रिक्स क्या है. चलिए देखते हैं, ठीक है. जैसे क्या है कि जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि 1 से लेकर 25 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर स्टूडेंट्स को, बच्चों को याद रहता है. प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम तो वहाँ होती है कि जब कोई नंबर 25 से अधिक होता है. जैसे अगर मैं पूछ दूँ आपसे कि जरा बताइए तो 48 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे. 48 में 48 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर हमको बताएंगे कि 48 का स्क्वायर कितना होगा. अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि 99 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप 99 में 99 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर मुझे बताएंगे कि 99 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं होगा. आज से आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर मात्र एक सेकेंड में. क्वेश्चन कोई पूछेगा और मात्र आप एक सेकेंड में उसका तुरंत जवाब देंगे बिना पेन और कॉपी के साथ. तो चलिए देखते हैं कि वह तरीका क्या है कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालें. तो हम क्या करते हैं कि जनरली 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर सभी लोगों को लर्न होता है. अब हम देखेंगे 25 से अधिक, ठीक है, और 25 से अधिक और 75 तक के बीच में कोई भी नंबर हो. मैंने बोला कि 25 से लेकर के और 75 के बीच में कोई भी नंबर हो, तो उसका स्क्वायर हम मात्र देखते ही एक सेकेंड में कैसे निकालेंगे. और दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे कि जब भी कोई नंबर 75 से लेकर 125 के बीच में हो, तो उसका देखते ही आंसर हम कैसे देंगे, ठीक है. तो इसको हम दो पार्ट में देखेंगे. चलिए देखते हैं. जैसे 46 आपको दिखाई दे रहा होगा कि 46, और हमको 46 का स्क्वायर निकालना है बिना पेन और कॉपी के, ठीक है. हम 46 में 46 का मल्टीप्लाई करने वाले नहीं है, वो जमाना गया कि हम 46 में 46 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी कंपटीशन क्रैक नहीं हो पाएगा, ठीक है. क्योंकि आज के डेट में जो कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन का जमाना है, और आज के डेट में कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना होगा, तभी हम लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं, और नौकरी पाने के लिए अपना कैलकुलेशंस मैथ का बहुत ही फास्ट करना होगा, ठीक है. तो फास्ट करने के लिए हमको ट्रिक का सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है. तो देखते हैं ट्रिक्स क्या है. जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा होगा 46 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है. तो याद रखिएगा कि जब भी कोई नंबर 25 और 75 के बीच में हो, मैंने बोला, एक बार मेरी बातों को फिर से सुनिएगा, कि जब भी कोई नंबर 25 और 75 के बीच में हो, तो याद रखिएगा, ठीक है, कि उसका कंपेरिजन 50 से कराएंगे. बेस हमेशा 50 मानेंगे, उसका कंपेरिजन, उसका कंपेयर हम 50 से कराएंगे कि वह नंबर 50 से कितना कम है या वह 50 से कितना ज्यादा है. मैंने फिर से बोला कि जब भी कोई नंबर 25 और 75 के बीच में हो, तो उसका कंपेरिजन हमेशा 50 से कराएंगे कि 50 से कितना कम है या तो कितना ज्यादा है, ठीक है. और 50 से जितना कम रहेगी क्या करेंगे, 25 में उतना ही माइनस कर देंगे, और 50 से जितना अधिक होगा 25 में उतना ही हम ऐड करेंगे, ठीक है. चलिए देखते हैं कैसे. जैसे आप बता सकते हैं कि यहां लिखा 46, देख सकते हैं क्या लिखा है, 46 लिखा है. और ए 46, जरा आप लोग बताइए कि 40 जो 6 है 50 से कितना कम है, तो 50 से 4 कम है. तो क्या करने वाले हैं, 4 माइनस करने वाले हैं, किसमें से, 25 में से. जो भी नंबर 50 से जितना कम रहेगा 25 में से उतना ही माइनस करने वाले हैं. तो जरा बताइए कि 25 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 21 आएगा, 21 आएगा. अच्छा, 4 कम था ना, तो जितना कम है उसका स्क्वायर करके उसके हम आगे लिख देंगे, कितना हो गया, 21 16 हो गया,
ठीक है, और ये कितने डिजिट में है, 4 डिजिट में है, ठीक है, और 4 डिजिट में ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा डाटा आप इधर देख लीजिएगा, या थोड़ा सा डाटा मैं लिख लिखा हूँ, या मैं डाटा लिखा हूँ कुछ, कि 1 से लेकर 3 के बीच में अगर कोई नंबर है, बिल्कुल आपने सही सुना कि 1 से लेकर 3 के बीच में अगर कोई नंबर है तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 डिजिट में आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 3 के स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो ये 1 ही डिजिट में स्क्वायर है ना। लेकिन जो अगर आप 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 के स्क्वायर 16 कितने डिजिट में आने लगा, 2 डिजिट में आने लगा, ठीक है। और 9 के स्क्वायर कितना, 81, ये भी 2 डिजिट में आने लगा। जब भी कोई नंबर 4 और 9 के बीच में हो तो जो उसका स्क्वायर होगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 2 डिजिट में आएगा। कितने डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में आएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो ही 9 के हम क्रॉस करेंगे 10 आएंगे, और 10 से लेके 31 तक कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर कितने डिजिट में आने वाला है, 3 डिजिट में आने वाला है, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। जब 10 का स्क्वायर 100 कितने डिजिट में है, 3 डिजिट में है ना। और 31 का स्क्वायर जो होता है वो 961 होता है, ये भी 3 डिजिट में होता है, ठीक है। लेकिन जो ही हम 32 का स्क्वायर करते हैं तो 1024, ये 4 डिजिट में आता है। और कहां तक 4 डिजिट में आएगा, 99 तक आएगा, ठीक है। जब 99 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9801 आएगा, ठीक है, ये भी 4 डिजिट में आएगा। इसका मतलब कि 32 से लेकर 99 तक अगर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर कितने डिजिट में आने वाला है, 4 डिजिट में आने वाला है। इस डाटा को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि अगर ये डाटा याद नहीं रहेगा तो आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो गलती हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इस डाटा को हम लोग याद रखेंगे। और जब भी कोई नंबर 100 से 316 के बीच में हो तो उसका स्क्वायर जो होता है वह कितने डिजिट में आने वाला है, 5 डिजिट में आने वाला है। इसलिए सिंपल सा छोटा सा इजी डाटा है, आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए जो 46 है, ठीक है, 46 क्या है, 32 और 99 के बीच में है, और इसका स्क्वायर 4 डिजिट में आया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 47 क्या लिखा है, 47, तो जरा आप लोग बताइए कि जो 47 है वह 50 से कितना कम है, ठीक है। 3 कम है। तो मैंने नियम क्या बताया था, मैंने रूल्स तो यही बताया था ना कि कोई भी नंबर अगर 50 से जितना कम है तो क्या करेंगे, उसको हम 25 में से उतना ही माइनस करेंगे, उतना ही सबट्रैक्ट कर देंगे। चलिए अब भी सबट्रैक्ट करिए, ठीक है। तो 47 है 50 से कितना कम है, 3 कम है ना, तो अब क्या करिए, 3 माइनस कर दीजिए किस में से, 25 में से, तो कितना आएगा, 22 आएगा, ठीक है। और कितना कम है, 3 कम है ना, जितना कम या अधिक होता है उसका स्क्वायर करके आगे लिखते हैं ना, तो लिख दीजिए क्या दिक्कत है। तो 3 कम है इसलिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा ना। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो गलत है, क्यों, क्योंकि अगर आपको जो डेटा लिखा हूं 32 से लेकर 99 के बीच में अगर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर कितने डिजिट में आएगा, 4 डिजिट में आएगा, बट यहां आ क्या रहा है, 3 डिजिट में आ रहा है ना, तो रॉन्ग है ना। अब सही क्या होगा, जब याद रखिएगा कि 3 डिजिट में आए और आपको चाहिए 4 डिजिट में, तो क्या करिएगा कि जो लास्ट डिजिट है उससे पहले क्या कर दीजिएगा, 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, और ये 4 डिजिट हो गया, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जब 3 डिजिट आए तो क्या करिएगा, लास्ट डिजिट से पहले क्या कर दीजिएगा, 0 बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 4 डिजिट में आपको लाना है, ठीक है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। जैसे देखते हैं 53, आपको निकालना है कि 53 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, और मुझे बानी बताना है, सिंपल है कि 53 50 से कितना ज्यादा है, जो 53 है 50 से कितना ज्यादा है, 3 ही तो ज्यादा है, तो 3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। मैंने बताया आपको, पहले रूल बता चुका हूं कि 50 से जितना कम है 25 में उतना सबट्रैक्ट करना है, और 50 से जितना ज्यादा है 25 में उतना ही क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो जरा बताइए कि 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना, तो क्या करेंगे, 3 हम ऐड करेंगे, किस में 3 ऐड करेंगे, 25 में। जब 25 में अगर 3 हम ऐड करते हैं तो बताइए कितना आएगा, 25 से 3 28, यही ना आएगा, और 3 ज्यादा है तो 3 के स्क्वायर कितना होगा, 9, जितना ज्यादा हो उसका स्क्वायर करके आगे लिखेंगे, तो 3 के स्क्वायर कितना, 9, ठीक है। अब देखिए ये भी 3 डिजिट में आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, आना क्या चाहिए, यहां जरा देखिए कि 32 से लेकर 99 के बीच में अगर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर कितने डिजिट में आना चाहिए, 4 डिजिट में आना चाहिए, तो आपको 4 डिजिट तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है।
ठीक है, ना कोई पेन उठानी है, ना तो कोई आपको कॉपी उठानी है, देखते आप आंसर बोलेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखिए, 56 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, बेस तो हमेशा 50 मानेंगे, क्योंकि ये नंबर 25 और 75 के बीच में है, तो बेस हमेशा 50 होगा। 50 से कंपेयर करेंगे कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो जरा बताइए कि आप लोग 50 जो 6 है वो 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, जरा बताइए, 25 में 6 ऐड करेंगे, तो जब 25 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा, 31 ही आएगा ना, 31 आएगा, और कितना ज़्यादा था, 6 ज़्यादा था, इसलिए जो 6 का स्क्वायर होगा 36, उसकी हम आगे लिख देंगे, और आप देख सकते हैं कि ये 4 डिजिट में है, तो इससे पहले आपको जीरो बढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 62 का स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल है, 62 50 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है ना, तो क्या करेंगे, हम 12 ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, 25 में हम 12 ऐड करेंगे, जब 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा, और 12 ज़्यादा है, इसलिए जो 12 का स्क्वायर होगा 144 होगा। तो अगर हम 144 इस 37 के आगे लिखते हैं, तो याद रखिएगा ये कितने डिजिट में हो जाएगा, अब 5 डिजिट में हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि 32 और 99 के बीच में अगर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर मात्र कितने डिजिट में, 4 डिजिट में होता है, और ये तो आने वाला 5 डिजिट में है, बिल्कुल रॉन्ग है ना, तो क्या करेंगे, उसको हम 144 आगे ना लिख करके 144 को हम ऐसे लिखेंगे 144, ठीक है, जो लास्ट 2 डिजिट आपका लास्ट में तो रहेगा ही, लेकिन जो 1 है 37 में कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, ठीक है, तो 4 यहाँ रहेगा ही, अब 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 3, आपका 3844 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको किसी भी तरह जब भी कोई नंबर 32 और 99 के बीच में है तो आपको 4 डिजिट लाना है, 5 डिजिट में आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब भी कोई नंबर 75 और 125 के बीच में हो, जब भी कोई नंबर 75 और 125 के बीच में हो, तो याद रखिएगा उसका कंपैरिजन हमेशा किससे कराएंगे, 100 से कराएंगे, बेस जो हमारा होगा वो 100 होगा, ठीक है, कि 100 से कोई नंबर कितना कम होगी या कितना ज़्यादा होगी, हम ये देखेंगे, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिए कि आपका जो 96 है वो 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 तो हम माइनस करने वाले हैं, जरा आप लोग बताइए कि 4 हम किस में माइनस करेंगे, वीडियो को पोस्ट करिए, बताइए कि आपको किसी को आइडिया है कि 4 हम किस में से माइनस करने वाले हैं। कुछ लोगों को हो सकता है जवाब होगा 75 में से, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, हम 75 में से माइनस नहीं करने वाले हैं। याद रखिएगा कि जब भी कोई नंबर 75 और 125 के बीच में हो, तो उसका कंपैरिजन 100 से कराएंगे कि 100 से कितना कम है कितना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन 100 से अगर 4 कम है, अगर 4 कम है तो 4 तो माइनस करेंगे 75 में से नहीं, बल्कि इस कंडीशन में क्या होता है कि इसी नंबर में से ही 4 माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि 96 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 92 आएगा, कितना आएगा, 92 आएगा, और 4 कम है, और 4 का स्क्वायर कितना कितना होगा, 16 होगा, इसलिए जो 16 इसके क्या करेंगे, आगे लिख देंगे, और आपका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 97 100 से कितना कम है, 3 कम है ना, तो 3 माइनस करेंगे किस में से, इसी नंबर में से, इस कंडीशन क्या होता है कि इसी नंबर में से ही माइनस किया जाता है, इसी नंबर में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है, और किसी में से नहीं, ठीक है। तो आपका जो 97 है 100 से 3 कम है, तो 3 माइनस करेंगे किस में से, 97 में से ही 3 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, जरा बताइए, 94 आएगा, आएगा ना, और 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, तो इसके आगे 9 लिखेंगे, लेकिन क्या, लेकिन ये तो 3 डिजिट में आ रहा है, और आना कितना चाहिए, 4 डिजिट में। अगर आपको डाटा अगर ये याद नहीं रहेगा तो क्या आप लिख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए इस डाटा को हम क्या करना है कि याद करना बहुत जरूरी है, और याद कर लेंगे, सिंपल डाटा कुछ है नहीं, तो इसको 4 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 से पहले 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा आंसर, ठीक है। जैसे आपको 99 के स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो सिंपल 100 से कंपैरिजन कराइए, 100 से कितना कम है, मात्र 1 कम है ना, तो 1 माइनस कर दीजिए किस में से, उसी नंबर में से ही 1 माइनस कर दीजिए, तो 99 में से अगर हम आप 1 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, कितना आएगा जरा बताइए, 98 आएगा, ठीक है, और 1 कम है और
सो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, एक लिखेंगे, लेकिन ये भी थ्री डिजिट में आ रहा है और बनाना कितने डिजिट में है, फोर डिजिट में। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उससे पहले क्या बढ़ाइए, जीरो बढ़ाइए और आपका फोर डिजिट बन गया, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आपको 98 में 98 का मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, या 99 में 99 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। जैसे 107 हो गया, ठीक है, आपका स्क्वायर निकालना, 197 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको 107 में 107 का मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इस ट्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे, तो 100 से 107 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है ना, तो क्या करेंगे, 7 हम ऐड कर देंगे, किसमें ऐड करेंगे, 107 में ही क्या करेंगे, 7 को हम ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, 114 आएगा, और 7 ज्यादा है, और 7 का स्क्वायर करके हम आगे लिख देंगे, 7 का स्क्वायर कितना, 49 होता है, 49 होता है, ठीक है। और एक कितने डिजिट में आ गया, 5 डिजिट में आ गया, कितने डिजिट में, 5 अंकों में आ गया, ठीक है। और चेक करिए सही है कि गलत है, चेक कर सकते हैं कि 100 और 316 के बीच में अगर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर कितने डिजिट में आना चाहिए, 5 डिजिट में आना चाहिए, और ये 5 डिजिट में आया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि कैरी ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, और 5 डिजिट में ही है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि 112 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो जरा बताइए आप लोग कि 112 है, ठीक है, तो 100 से कितना ज्यादा है, 112 से कितना ज्यादा है, तो 12 ही ज्यादा है, 12 ही तो अधिक है, तो क्या करेंगे, 12 ऐड कर देंगे, किसमें, 124 में ही, क्या 112 में ही 12 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, 124 आएगा, ठीक है, यहां लिख लीजिए 124 आएगा, ठीक है। उसके बाद 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। अगर आप लोग 144 इसके आगे लिख देते हैं तो जो आपका स्क्वायर होगा वह कितने डिजिट में हो जाएगा, बताइए आप लोग कितने डिजिट में हो जाएगा, 6 डिजिट में हो जाएगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा आपको मैं बताया था कि जो 5 जो रूल्स लिखे गए हैं, नोट्स लिखे गए हैं, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई नंबर 100 और 316 के बीच में हो तो हमेशा 5 डिजिट में आना चाहिए। अगर हम 144 इसके आगे लिखते हैं तो 6 डिजिट में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, 5 डिजिट में आना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, 144 को देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 लिखेंगे और 44 ऐसे, और इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। जो लास्ट 2 डिजिट है वो तो रहेगा ही, लेकिन 1 इसमें कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 44 तो रहेगा ही, तो कितना हो जाएगा, 4+1 कितना, 5 हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, 2 और 1, ठीक है। आपका ये बिल्कुल क्या रहा, करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमको 6 डिजिट में जाना ही नहीं है, ठीक है। 316 तक हमको क्या करना है कि 5 डिजिट में ही रहना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपका 112 का स्क्वायर हुआ कितना, 125 और कितना, 44 रहा, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को 25 और 75 के बीच में अगर कोई नंबर है और उसका स्क्वायर निकालना है तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी कोई नंबर 75 और 125 के बीच में हो अगर उसका आपको स्क्वायर निकालना है तो आप क्या कर सकते, इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्क्वायर निकालने की बहुत सारी ट्रिकें बताने, बहुत सारे मेथड्स बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि